नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल लच सिंह में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जो भी कम्युनिटी टैब में पूछे जाते हैं प्रश्न, उसके आंसर, और देखते हैं आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु है, किसे क्विक सिल्वर कहते हैं? 12 को क्विक सिल्वर कहते हैं, 90% बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, जिसका राइट आंसर सिर्फ 7% बच्चों ने ही सही दिया है, और यह है इसका आंसर अधपके फल से। अफीम पोस्ता जो है अधपके फल से प्राप्त किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, और यह है नंबर सीरीज का सम, देखते हैं कैसे बनेगा। बहुत ही आसान है, 2, 3, 5, 9 और 17 फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या है, 2 के बाद 3 फिर 5 फिर 9, तो देख रहे हैं क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 में मल्टीप्लाई हुआ है 1, और यहाँ पे देखिए 2 से गुना कर -1, फिर यहाँ पे 3 में 2 से गुना करके फिर -1, यानी कि 3 गुना के 6 -1, और फिर 5 में गुना हुआ है 2 से, तो 10 आ जाएगा, 10 में फिर -1, तो इस प्रकार से किया गया है। 9 गुना 18 -1, 17 गुना 34 होता है, और -1 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 33। 82% बच्चों ने इसका आंसर जो है बिल्कुल ही सही दिया है। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने, धातुओं का राजा कहा जाता है किसको, क्या है धातुओं का राजा, वह है सोना। 84% बच्चों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो अगला है सवाल आपके सामने जो है लसा, और इसको चलिए करते हैं, लसा है यानी कि एलसीएम इसको कहा जाता है। तो इसको हम लोग अगर जो इस तरह अगर जो करते हैं तो जरा सा प्रोसेस क्या है, लंबा होगा। एलसीएम इस प्रकार से निकाला जाता है, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12 2 8 16 10, और यहाँ पे आ जाएगा 12। अब देखिए यहाँ से 6 से जब 12 कट जाएगा, चलिए पहले लंबा प्रोसेस से बता देते हैं आप कैसे इसको कर पाइएगा। फिर 2 से 2 3 6 2 4 8 2 5 10 और 2 6 12, फिर इसको काटते हैं 2 से 2 से, फिर नहीं कटेगा तो 3 रह जाएगा, और यहाँ पे 2 5, यहाँ पे, और फिर इसको काट लेते 3 से 1 2 5 और यहाँ से 1। तो इस तरह से इसको लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 का गुना 4 गुना 8 8 3 के 24, और यहाँ पे 10, यानी कि 24 × 10 क्या हो जाएगा, 240। 82% बच्चों ने इसका सही आंसर किया है। लेकिन हम जैसा कि आपको बताते हैं कि पहले तो बताते हैं जो लंबा प्रोसेस है उस हिसाब से कैसे इसको कीजिएगा, और ट्रिक भी बताते हैं इसको आप जल्दी से कैसे कीजिएगा। तो चलिए एक देखते हैं, यहाँ दो ट्रिक बताएंगे इसका, एक आंसर से और एक इस तरह सोल्व करके 24। तो इसको हम अगर जो सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए 12 है यहाँ पे और यहाँ पे 24 है, यानी कि 12 से 24 कट सकता है, तो हम 12 को काट देंगे, 12 का डिवाइड करने का कुछ जरूरत ही नहीं, फिर 2 से भाग करेंगे तो 12 है ही नहीं, तो 2 8 16 और 2 से 10 बार में कटा और यहाँ पे 12 आ गया, फिर डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 4 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 5 10 और 2 6 12, फिर डिवाइड करते हैं 2 से, 2 2 के 4 और ये तो 5 वैसे ही रह जाएगा, 2 3 6। तो अब देखिए गुणा करते हैं, 2 2 के 4 2 8 और 8 3 के 24 24 फिर 10। एक तो यह तरीका हुआ, एक और तरीका सीखे जो कि आंसर के थ्रू बनाया जाता है। आंसर से कैसे बनाएंगे, लसा का मतलब क्या होता है, लसा का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से डिवाइड हो जाए, क्या हो, इन सबसे डिवाइड हो जाए, उसको कहते हैं लसा। तो हम देखेंगे कि इनसे कौन ऐसी संख्या है जो पूरी तरह से
डिवाइड हो जाती है, यानी पूरी तरह से जिसमें भाग दिया जा सकता है सभी से, सिर्फ एक से नहीं सभी से। तो 12 से इसमें अगर जो चेक करते हैं इसको, पहले 12 से कर लेते, 12 कम 12 और यहाँ क्या बचेगा 60, तो ये तो कट गया 12 5 60। फिर 16 से करते हैं, 16 कम 16, तो इस तरह देखने से ही पता चल जाएगा तुरंत कि वह संख्या कौन सी है जो सबसे कट जाएगा इजिली। यही दिख रहा है 12 गुना 24, फिर 16 से 16 करेंगे 16 5 80, 20 से भी कट जाएगा, 24 से 10 बार में कट ही रहा है। तो इस तरह भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं अगला सवाल क्या है। और अगला प्रश्न है, यह भी बहुत ही इजी सा है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, वहां पे हम मान लेंगे यक्स का लिखा हुआ है फिर 20% बराबर 60। तो यक्स का मतलब होता है गुना 20 लिख दिए परसेंटेज हटाने के लिए, उसके नीचे 100 लिख दिए और बराबर 60 कर दिए। अब क्या करते हैं, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 60 गुने 100 बटा 20। यह कैसे हुआ, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, अगर जो बराबर का साइन है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से ऊपर नीचे, यानी 20 का गुना 1 से और 60 का गुना 100 से, तो 60 गुने 100 नीचे 20, तो 20 60 अंतर आ गया 3। तो 91% बच्चों ने इसका बिल्कुल ही सही आंसर दिया है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिर, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए हम हमेशा लेकर आते रहेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।